रुम्पा अपनी मुलाकात के बारे में पूजा को बता ही रही थी कि तभी आई एक आवाज। पूजा? हाँ जी। हाँ जी आई। चाय बना दो, चीनी कम डालना। हाँ जी हाँ जी। मैं बाहर बैठती हूँ। हैं ठीक है जी। मम्मी जी ऑफ द वीक ने अपनी पसंदीदा कन्या पूजा से रेड लेबल परफेक्ट कप ऑफ टी बनाने के लिए कहा, ताकि चाय की मिठास के साथ साथ रिश्ते में भी मिठास घोली जा सके। सो, तो हितू आपको कैसा लगता है? कैसे मतलब क्या क्या बातें उनकी आपको पसंद है? बहुत अंडरस्टैंडिंग है, सपोर्टिव है, मैच्योर है। कुछ अपनी कहें, कुछ उनकी सुने, चाय की चुस्कियों के साथ रिश्तों के धागे बुने, क्योंकि सास और बहू में तभी होंगे रिश्ते अंतरंग जब दिल से दिल मिलेंगे रेड लेबल परफेक्ट कप ऑफ टी के संग। मतलब जो चीज पे जिद आ गई वो फिर लेनी हाँ, लेनी वो लेनी लेनी। अब पूजा पे जिद आई हुई है, देखो क्या करता है, उसको भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा सिवाय पूजा पूजा पूजा। हितेश को पूजा के अलावा कुछ और नजर नहीं आता, तो विवेक को भी नजर नहीं आ रहा है कि उनकी मुलाकात किससे होने वाली है। मैंने नंदिता को चुना है क्योंकि एक तो वो डॉक्टर है और दूसरी उसकी स्पेशल क्वालिटी एक ये है कि उसमें एक चाहत है, एक उत्सुकता है सब कुछ सीखने की। आपको कैसा लग रहा है यहाँ शो पे? अच्छा लग रहा है। पहले थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई थी मैं कि ऐसा है वैसा है ये है वो है, फिर यू केम इन द फोकस एंड एक ट्रस्ट फैक्टर था, मुझे लगा कि एक अच्छा दोस्त मिल गया है एंड बट कई इश्यूज थे स्टेट्स वाला ये वो। रिसेंटली यश पे फोकस जा रहा है। हाँ नहीं अच्छा लड़का अच्छा है एंड मैं चाहती थी तुम्हें पहले पता चले क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारी मीटिंग हुई थी मैंने कहा था दैट यू विल बी द फर्स्ट पर्सन। इफ यू टोल्ड मी वेरी क्लियरली Are you interested in yes? So then it would be not a problem for me anymore. हाँ ये हो जाता है कि मेरी एक अटैचमेंट हो जाती है किसी से, बट ये है कि आई कैन कंट्रोल माई फीलिंग्स। और कितनी चीज़ें होती है आपको एकदम से एक लगता है कि आपकी एक बॉन्डिंग हो गई है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि द सेकेंड पर्सन ऑल्सो हैज दैट सेम फीलिंग फॉर यू। पहले कभी मैंने यश के बारे में सोचा ही नहीं था, जैसे कि मैंने बताया भी था, आई थॉट कि नहीं नॉट पॉसिबल। बट आफ्टर टॉकिंग टू हिम कुछ कंसर्न्स थे वो दूर हुए। काफ़ी सपोर्टिव लगा मुझे हर एक बारे में। नहीं इट्स गुड ना। सो यानी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैं सोचता हूँ। ये तो है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वी कैन वॉक यार। कहाँ पे जाना है बताओ? दिल टूटा, सपने टूटे, जब विवेक इस सफर का हिस्सा बने थे तब हमेशा गुमसुम रहते थे, मगर नंदिता की एक मुलाकात ने उनकी पूरी शख्सियत बदल दी थी और उसी नंदिता की एक मुलाकात ने उन्हें फिर से बना दिया है गुमसुम और खामोश। मुलाकातों का दौर खत्म हुआ और निष्कासन की चर्चा शुरू हुई। नंदिता प्रियंका दोनों पढ़ाई में लगी रही हैं, काम में इन्वॉल्वमेंट रही है तीन लड़कियों की, रूम्पा गुरप्रीत और पूजा। तीनों ने खूब काम किए, सफाइयाँ की अंदर बाहर सारा किया, पूरा दिन पूरी इन्वॉल्व। अब की बार तो इनका चांस ही नहीं है बिल्कुल, ना नंदिता का ना प्रियंका का। बृंदा तो खैर कोई काम में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेती ही नहीं, कभी भी नहीं, उसको तो बुला जाए तो फिर इधर उधर हो जाती है। देखो किसके चांस आते हैं। हितेश की मम्मी जी ने इशारों ही इशारों में ये जता दिया कि इस बार वो किसे विदा करना चाहती हैं, और ये सुनते ही राजबीर की मम्मी जी ने आगाह किया प्रियंका को, कल को काम खत्म हो जाएगा तेरा पढ़ाई का? हो गया, आज ही हो गया, कुछ काम नहीं।
सिर्फ लाइन खींचनी है। क्या बोलूं? हर समय अलमारी अपनी का हर एक चीज का ध्यान रखना, फिर किचन की ड्यूटी संभालना। बहुत ध्यान रखना अपना, कोई पॉइंट आउट ना तेरे को किसी तरह से। यहाँ हालात और सत्ता हर वक्त बदलती रहती है, कब किसकी किस्मत किस ओर करवट लेगी ये कोई नहीं जानता सिवाय आने वाले वक्त के। इधर साड़ियाँ, उधर वेस्टर्न और नीचे सूट। नीचे सूट। ये कुर्सी को सलाम है, ये वक्त वक्त की बात है।